हेलो दोस्तों, मैं राधा राधा जी की किचन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मेरी किचन में आप सभी के लिए ब्रेड से बहुत ही मजेदार नाश्ता बनने जा रहा है। फटाफट से नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है, खाने में बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो सुबह हल्की फुल्की भूख में आप इसे बनाकर खा सकती हो, या शाम के टाइम आपका चाय के साथ कुछ बढ़िया खाने का मन करे तब भी आप बना सकती हो। ज्यादा ब्रेड भी नहीं चाहिए, ओनली 4 ब्रेड से ये नाश्ता बनकर हमारा तैयार हो जाता है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट दोस्तों, बिना देरी करें। सबसे पहले तो आपको ले लेना है मिक्सी का जार और उसमें डाल देनी है जो 4 ब्रेड है ना, इन्हें हम इसमें तोड़ के डालेंगे। तो इस नाश्ते के लिए दोस्तों आप सूखे ब्रेड जो काफी दिन के रखे हुए हों उन्हें भी ले सकती हो, बहुत टेस्टी बनेगा आपका नाश्ता। तो मोटा मोटा तोड़ दें क्योंकि हमें ब्रेड को पीसने ही तो है यहाँ पर। तो अच्छे से बढ़िया सा इसका हम पाउडर बना लेते हैं। तो मैं पीस के लेके आती हूँ, उसके बाद आपके लिए बताती हूँ। यहाँ पर मैं इनको अच्छे से पीस के लेके आ गई, तो ब्रेड क्रम्स हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो अभी इन्हें हम मिक्सी के जार में से नहीं निकालेंगे, सूजी डाल देंगे इसमें हम। 1 कप से मैंने यहाँ थोड़ी कम सूजी को रखा है। और साथ में आपको अब यहाँ क्या करना है, उसी मेजरमेंट से आपको छाछ लेना है। छाछ की जगह आप दही भी ले सकती हो, दही और छाछ दोनों ही नहीं हो तो नींबू का रस निचोड़ दें इसमें। तो जितनी मैंने यहाँ सूजी रखी उतनी क्वांटिटी में छाछ ले ली है, एकदम गाढ़ी छाछ है, खट्टी छाछ नहीं है ज्यादा, घर की फ्रेश छाछ है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इनको वापस से एक बार और चलाते हुए अच्छे से पीस लेना है। तो एकदम बढ़िया सूजी का बेटर हमारा मिक्सी के जार में अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं पीस के लाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एकदम बढ़िया इसका पेस्ट बना लिया कुछ इस तरीके से। दोस्तों आपको इसको पीस लेना है, तो ज्यादा पतला ना करें, पहले गाढ़ा ही रहने दें आप इसको यहाँ। और एक बाउल में हम यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्सी के जार में पानी डाल के हम इसे क्लीन करेंगे क्योंकि अभी ये काफी गाढ़ा है तो इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने करीब 1/4 कप के लगभग पानी ले लिया है और उसे अच्छे से इसमें साफ करते हुए डाल देंगे और बेटर की कंसिस्टेंसी को एकदम बढ़िया कर लेंगे हम यहाँ पर। स्टार्टिंग में यदि हम पानी ज्यादा डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बाद में तो हम कंसिस्टेंसी को अच्छा कर सकते हैं घोल की को थोड़ा सा पानी बढ़ा के। तो शुरुआत में दोस्तों ज्यादा पानी ना डालें, बाद में डाल के एकदम बढ़िया इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से आपको कर लेनी है। काफी अच्छे से गिर रहा है वो गाढ़ेपन पे भी हमारा बेटर। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक छोटे साइज की प्याज ली है जिसे बारीक काट लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी को भी यहाँ पर बारीक काट करके लिया है। दोस्तों मैंने आधी गाजर ली है जिसे बारीक काट लिया है, आप चाहो तो कद्दूकस करके भी ले सकते हो। तो यहाँ पर गाजर को भी इसके अंदर हम डालेंगे, बहुत ज्यादा टेस्ट अच्छा आएगा गाजर से, इसमें मिठास भी आएगी और दूसरा नंबर हेल्थी भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च ले ली है, मेरे पास थी इसलिए ले ली, पूरी तरीके से ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो आप उन्हें यहाँ ले सकते हो। तो शिमला मिर्च भी इसमें हम डाल देंगे, साथ में एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेंगे और जिसे भी बारीक बारीक काट लेना है, या फिर कद्दूकस करके डालें, या फिर आप यहाँ क्या कर सकते हो, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो। तो मैंने तो दोनों ही चीज को यहाँ बारीक बारीक काट लिया है, इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यदि दोस्तों आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो, जरूरी नहीं है। और यहाँ पर हम एक हरी मिर्च ले रहे हैं जिसे बारीक काट के इसके अंदर डालेंगे। और अब आपको इसमें डाल देनी है 1.5 सारी हरी धनिया की पत्ती। हरी धनिया की पत्ती ना हो तो आप पालक भी डाल सकते हो, पालक को धो के बारीक काट के इसके अंदर डालें। सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम यहाँ पर। तो दोस्तों जो भी वेजिटेबल्स मेरे पास थी इस टाइम पर वो मैंने इसके अंदर डाल दिए, आप चाहो ना तो कच्चे आलू को ग्रेट करके भी इसके अंदर डाल सकती हो। और जो वेजिटेबल्स आपको पसंद नहीं हो इनमें से आप स्किप कर सकती हो, आपके पास हरी मटर हो तो आप हरी मटर भी डाल सकती हो। तो यहाँ पर सभी वेजिटेबल्स को बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही फटाफट वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी इन दिनों खराब सी चल रही है इस वजह से, और रेसिपी तो मुझे आप लोगों के लिए बनानी ही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ फटाफट वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए आज। दोस्तों मेरी एक ऐसी आदत है यदि मुझे थोड़ी सी भी कुछ तकलीफ हो जाती है ना तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, और थोड़े से ऐसे घबरा ज्यादा जाती हूँ और डॉक्टर के पास जाने से तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो यहाँ पर है ना अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं, प्लीज सपोर्ट करें आप सभी, वीडियो बनाने में भी काफी मेहनत लगती है। अब आपको इसमें यहाँ पर आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देना है और साथ में 1 छोटी चम्मच के लगभग धनिया पाउडर डालें, हल्दी आपको नाम मात्र की डालनी है, इससे कलर अच्छा आएगा। थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला डाल देंगे आधी छोटी चम्मच के लगभग ही, आप चाहो तो लाल मिर्च का पाउडर डालें या फिर कुटी हुई लाल मिर्च डालें, कुटी हुई लाल मिर्च से नाश्ता दिखने में सुंदर हो जाता है। थोड़ी सी इसमें हींग डाल देंगे हम यहाँ पर 1 चुटकी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे नाश्ते में। 1 छोटी चम्मच में यहाँ पर इसमें सफेद तिल डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट हो जाता है,
बाकी पूरी तरीके से ऑप्शनल है दोस्तों, तिल को पसंद करते हो तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो आप। यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है, तो थोड़ा सा कम नमक डालें क्योंकि ब्रेड में भी नमक आता है ना, इसीलिए अच्छा टेस्ट आए हमारे नाश्ते में। इसी के लिए मैं इसमें छोले मसाला डाल रही हूँ, आपके पास हो तो डालें, नहीं तो फिर गर्म मसाला तो इसमें हमने डाला ही हुआ है, बाकी छोले मसाले से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, इसलिए आधी छोटी चम्मच डाल दिया है इसके अंदर, हो तो डालें नहीं तो रहने दें। अब हमें सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है इस बैटर में, एकदम बढ़िया हमारा गाढ़ेपन पे बैटर बनकर तैयार हुआ है कुछ इस तरीके से। चलिए तो फटाफट से गैस ऑन करके पैन को रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देना है। दोस्तों हमने जो बैटर बनाया ना उसे आपको क्या करना है, एक चम्मच भरकर लेना है और बीच सेंटर में डालते हुए इसको थोड़ा सा गोल गोल कर देना है, ज्यादा पतला ना करें ना ज्यादा इसको मोटा करें, आप यहाँ गोल गोल कर देंगे जिससे नाश्ता दिखने में सुंदर लगेगा। बाकी घर पे खाने के लिए करो ना, बनाओ ना, तो आपको ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा सिकने देना है पहले। अच्छा दोस्तों, जब तक अपना नाश्ता बन रहा है जब तक मुझे आपसे यहाँ कुछ बात करनी है। आप देख रहे होंगे आपको अब मेरी वीडियो अलग लैंग्वेज में लग रही होंगी, और बीच में मैंने कुछ अलग लैंग्वेज में डाली थी, तो अब मैं आपको कैसे कहूँ ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, बट कुछ मजबूरियां हैं मेरी, उसकी वजह से मुझे अपनी पुरानी वाली वॉइस लानी पड़ी। आगे जाके समय ऐसा आ जाएगा कि मैं खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊंगी, तो फिर शायद मुझे ये सब लोगों की बातें नहीं सुनना पड़ा करेंगी, और मैं मतलब अपने मन पर जो आया करेगा वो कर सकती हूँ, बट अभी मुझे सभी चीजें देखनी पड़ती फैमिली वगैरह की, इसीलिए वापस से मैंने अपनी वही वाली वॉइस में डालना वीडियो स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, प्लीज आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और बस कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बोल भी नहीं सकती क्योंकि आपको बोलूंगी और सभी को पता लग जाएगा। हालांकि सभी वीडियो जो होते हैं अपने वो पूरी तो नहीं देखते, स्किप कर करके ही देखते होंगे, बट फिर भी मुझे बोलने में थोड़ा बहुत डर लगता है, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा प्लीज वीडियो को शेयर करा करें, जिससे मैं भी आगे तक पहुंच सकूं और कुछ कर सकूं। मुझे बहुत कुछ करना है, बट अभी जिस हिसाब से मेरे समझ रहे हो आप, तो उस हिसाब से मुझे सभी की सुननी पड़ती है, तो बस यही कहना चाहूंगी दोस्तों, प्लीज सपोर्ट करें और कमेंट करके बताया करें जिससे मुझे हिम्मत मिलती है, और सभी को फिर मैं आपको कैसे कहूँ ये समझ नहीं आ रहा, बट बस ये चाहती हूँ आप सपोर्ट इतना करें कि बस सपोर्ट करें बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, तो इसको ओपन करके भी देखते हैं, हमें ज्यादा नहीं सीख गया हो कहीं पता पड़े चल जाए, तो आप देखिए काफी अच्छे से फूला है, और देखिए कितना बढ़िया बना है, और दूसरे साइड से भी अच्छे से सेकेंगे, काफी अच्छे से सीख किया है। इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं और दूसरे पीस को भी सेम इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे हम। दूसरा पीस भी मैंने नाश्ते का बनाकर तैयार कर लिया है, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सभी को मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर सभी नाश्ते के पीस बनाकर तैयार कर लिए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, और दोस्तों चार पीस टोटल हमारे यहाँ बनकर तैयार हुए, गैस की फ्लेम ऑफ कर दिए। वैसे हल्की फुल्की भूख में एक पीस एक इंसान के लिए काफी हो जाएगा, तो आप इस तरीके से इस नाश्ते को जरूर बनाएं। लाल मिर्च की चटनी, हरी मिर्च की चटनी हो, चाहे टमाटो केचप क्यों ना हो, आप उसके साथ खाएंगे बहुत टेस्टी लगेगा। जल्दी फिर मैं कल मिलूंगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी को लेके। यदि आप मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक आए हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे बहुत खुशी होती है। कॉमेंट लिख कर बताते हो उससे तो बात ही बहुत अलग हो जाती है, पूरे दिन भर की मेहनत मेरी वसूल हो जाती है, तो प्लीज फिर सपोर्ट करें आप बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी को लेके, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।